हे मनुष्य, आप अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। धर्मशास्त्र 1 पत्रस अध्याय 5 का श्लोक 7 उलट करके देखो। सोचना बंद करो, उठो, परमेश्वर को ढूंढो। हे मनुष्य, हिंसा और क्रोध के संयोग से कली का जन्म हुआ, और कली चाहता है कि ईश्वर के सारे सृष्टियों का नाश कर दे। सारा संसार कली पुरुष के बस में पड़ा हुआ है। वह चाहता है कि मृत्यु का तांडव नृत्य देखे। आपको पता है कि कली पुरुष का निवास स्थान कहाँ है? 1 जुआ, 2 शराब, 3 वेश्या और 4 सोना। इसीलिए इन सब स्थानों से अलग रहो, क्योंकि कली पुरुष जब इसमें निवास करता है तो इस स्थान पर रहने वाले मनुष्य की क्या दुर्गति होगी। इन सब बातों को तो आप भी सोच सकते हैं। अगर यदि आप जुआ खेलते हैं, या जुआ से संबंधित कोई काम करते हैं, या जुआ खेलने वाले मकान में रहते हैं, या जुआ खेलने वाले से ताल्लुकात रखते हैं, या जुआ के लिए कोई काम करते हैं, तो क्या होगा? पाप उत्पन्न होगा। और कली पुरुष क्या उसको छोड़ेगा? कभी नहीं। दूसरी बात, हम आपसे यह कहना चाहते हैं कि धर्मशास्त्र रोमियो अध्याय 6 का श्लोक 23 में ईश्वर ने कहा कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। तो जब आपसे पाप होगा तो आपकी मृत्यु निश्चित होगी, होगी ना? तो सोचिए, आपको किन किन जगहों से बचना है? ईश्वर ने क्या कहा मालूम है? ईश्वर ने आपसे यह कहा, चूंकि मैं पवित्र हूँ इसीलिए तुम भी पवित्र बनो। ईश्वर ने आपको पवित्र बनने के लिए बुलाया है, और पवित्र बनने के लिए नहीं। इसीलिए आपकी चाहत क्या होनी चाहिए? पवित्र बनना। आपका हर प्रयास क्या होना चाहिए? पवित्र बनना। कि मैं कैसे पवित्र बनूं? जब तक आप इसको व्यवहारिक रूप में नहीं लाएंगे, तब तक आपसे पाप कर्म होता रहेगा, और पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु। तो आपको मरना पड़ेगा ना? आपके आगे अनेक तरह के भोजन हैं, परंतु आप चिंताओं के वादियों से गुजर रहे हो, तो क्या आपको भोजन करने का मन करेगा? आपका जवाब होगा नहीं। यदि कोई व्यक्ति आपसे यह कह दे कि सब ठीक हो जाएगा, तो आप सूखी रोटी भी खा लेंगे, सच है ना? ईश्वर पुत्र आपसे यह कहता है कि आपको भोजन से ज़्यादा परमेश्वर के शब्द की जरूरत है, जो आपको विश्वास दिला दे कि आप सारी समस्याओं से बाहर निकल जाओगे। ईश्वर पुत्र, ईश्वर पुत्र, ईश्वर पुत्र, धरती पे आए हमारे लिए। ईश्वर पुत्र, ईश्वर पुत्र, धरती पे आए हमारे लिए। कल की प्रभु से हमको मिलाने धरती पे आए
हमारे लिए ईश्वर पुत्र, ईश्वर पुत्र धरती पे आए हमारे लिए ईश्वर पुत्र। बड़ों को ज्ञान दिया, सब भक्तों को मान दिया, छोटे बड़ों को ज्ञान दिया, सब भक्तों को मान दिया, सत्य मार्ग का पाठ पढ़ाने, सत्य मार्ग का पाठ पढ़ाने धरती पे आए हमारे लिए ईश्वर पुत्र, ईश्वर पुत्र धरती पे आए हमारे लिए, कल की प्रभु से हमको मिलाने धरती पे आए हमारे लिए ईश्वर पुत्र, ईश्वर पुत्र धरती पे आए हमारे लिए ईश्वर पुत्र। भक्ति भाव समझाए हैं सतयुग में हमको लाए हैं, भक्ति भाव समझाए हैं सतयुग में हमको लाए हैं, कलयुग के बंधन से छुड़ाने, कलयुग के बंधन से छुड़ाने धरती पे आए हमारे लिए ईश्वर पुत्र, ईश्वर पुत्र धरती पे आए हमारे लिए, कल की प्रभु से हमको मिलाने धरती पे आए हमारे लिए ईश्वर पुत्र, ईश्वर पुत्र धरती पे आए हमारे लिए ईश्वर पुत्र। मोह माया में अटका हुआ है जीव जगत में भटका हुआ है, मोह माया में अटका हुआ है जीव जगत में भटका हुआ है, भटके हुओं को राह बताने, भटके हुओं को राह बताने धरती पे आए हमारे लिए ईश्वर पुत्र, ईश्वर पुत्र धरती पे आए हमारे लिए, कल की प्रभु से हमको मिलाने धरती पे आए हमारे लिए ईश्वर पुत्र,
ईश्वर पुत्र धरती पे आए हमारे लिए, ईश्वर पुत्र धरती पे आए हमारे लिए, ईश्वर पुत्र धरती पे आए हमारे लिए।